नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। अपना प्रदेश में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तहम तमाम दिनभर की अहम खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो दिन से लगातार बने हुए और आज मुख्यमंत्रियों के साथ महाबैठक का आयोजन भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में है। चौबेपुर के उमरहा में महर्षि सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में पीएम मोदी शामिल हुए हैं और इस दौरान उनके साथ प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम ने संबोधित करते हुए काशी की भव्यता को ऐतिहासिक बताया है। हर हर महादेव। काशी की ऊर्जा अक्षुण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में हैं। पीएम मोदी का दो दिवसीय काशी का दौरा जारी है। पीएम मोदी ने अपने दौरे के पहले दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं आज पीएम ने काशी में 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ में विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की है। इसके अलावा जिसमें सरकार की नीतियों योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है। साथ ही देश में सुशासन और गुड गवर्नेंस पर भी बातचीत हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, कर्नाटक के बसवराज बोम्मई, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अलावा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लव देव और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह शामिल हुए। यानी कि वो तमाम राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां के मुख्यमंत्री और जिन जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी हैं वो उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में कॉरिडोर उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राम की नगरी अयोध्या भी आ रहे हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्रियों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और कप्तान शैलेश पांडे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस दौरान 11 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। व्यापक तैयारी कर ली है। उनका जो मुख्य कार्यक्रम होगा हनुमानगढ़ी का दर्शन है, रामलला का पूजन और वहाँ राम जन्मभूमि साइट का अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सरयू घाट पे पूजा करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है और लगभग दोपहर में ये लोग आएंगे और 3 घंटे का कार्यक्रम अयोध्या करेंगे। सभी जो संभावित कार्यक्रम स्थल है वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, रूट की सुरक्षा व्यवस्था ये सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए 3 tiers सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे इन प्लेस रहेंगे जिसमें सिविल पुलिस, PSC, हमारी ट्रैफिक की और इंटेलिजेंस की टीमें जो हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट रूट्स पे तैनात रह के व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। बनारस के बाद अयोध्या में होगा 12 मुख्यमंत्रियों का रेला। देश के अन्य स्टेट से, राज्य से जो 12 सीएम आने वाले हैं वो अपने परिवार सहित अयोध्या हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन करके अपने उसको साकार करेंगे और सरयू आरती अपने परिवार संग 12 राज्य के सीएम, ये सरयू तट है, इसी सरयू तट पर अयोध्या, ये सरयू तट है जो यही आरती होगी और यही 12 राज्य के जो सीएम आएंगे शाम को
आरती भी करेंगे। प्रशासन ने पूरी तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा अमला जमा पहनाया जा चुका है। गुजरात हो या राजस्थान हो या बिहार हो या मध्य प्रदेश हो, तमाम जो 12 राज्य के सीएम वो डिप्टी सीएम जो पूरे परिवार सहित अयोध्या आ रहे हैं, वो राम की पैड़ी हनुमानगढ़ी रामलला भगवान राम के मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे और शाम को यहाँ दर्शन पूजन करेंगे। वीडियो पर्सन ब्रिजेश के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। तो चंदौली दौरे पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज शाम पहुंचेंगे चंदौली, जहां पर पंडित दीनदयाल स्मृति वन के दर्शन भी करेंगे। 63 फीट की पंडित दीनदयाल की प्रतिमा को माला पहनाकर यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। वीआईपी मूवमेंट से शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यहां पर भी नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है, जिसको लेकर अब बवाल मचता नजर आ रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अंतिम समय पर काशी से अच्छी जगह कोई और नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को एक महीने के बजाय 3 महीने तक बनारस में रहना चाहिए। उनके इसी बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने अखिलेश पर पलटवार किया है। बात है, एक महीना नहीं, 2 महीना 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है, वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। जिस प्रकार दिव्य और भव्य काशी का स्वरूप दिया है, उन श्रमिकों का प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान और उनके साथ भोजन व पल व क्षण पूरी दुनिया देख रही और पूरी दुनिया अभिभूत हो रही है, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद दे रही है। लेकिन शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी, सपा के मुखिया, प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को देखकर शायद ये लोग इतने सकता गए कि कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके संस्कार वो सब सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी इस तरह का बयान देते हैं जो उनके सोच और उनके संस्कारों को दिखाता है। इस तरह की भाषा, ना कोई मर्यादा, ये अपने आप में दिखाता है कि बौखलाहट सपा में कितनी है, उनके नेताओं में कितनी है। लेकिन बयान देने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि किसके बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता परिवर्तन के प्रयास में लगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जौनपुर पहुंचे। अखिलेश का जौनपुर में 2 दिन का प्रवास है, जहां से वो समाजवादी पार्टी के विजय रथ यात्रा निकालेंगे। इसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश में अधिकांश क्षेत्र दलों को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरने का है। हमको भरोसा है कि क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन करेंगे। इसके साथ ही कहा कि हमारे इसी प्रयास से मैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और बसपा से आने वाले राम अचल राजभर भी हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल का 5 वर्ष पूरा हो गया है, अब जनता को भाजपा का घोषणा पत्र देखना चाहिए कि उन्होंने सारे वादे पूरे किए या नहीं। खेती और किसानी को बर्बाद करने का काम भाजपा की सरकार में हुआ है, हम सभी को साथ लेकर सरकार बनाएंगे, ये उन्होंने यहां से दावा भी किया। उत्तर प्रदेश की सरकार हटने जा रही है और हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और हो सकता है, जो मैंने पहले दिन से कहा और आज भी कहता हूँ, आप लोगों का समर्थन और आपका भी समर्थन है, क्योंकि सच दिखाओगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। आपका समर्थन जोड़ करके और इन सबका समर्थन जोड़ करके, सबका साथ लेकर के, सबके सहयोग को, सबको सहयोग और सबकी भागीदारी को देते हुए हो सकता है उत्तर प्रदेश की जनता को समझाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, तो 400 सीटें भी इनको हरा देगी भारतीय जनता पार्टी। ये लाल रंग ये समझते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती लाल रंग, क्योंकि लाल रंग इमोशन का है। आप जब खुश होते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है, और जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके कान और चेहरा लाल हो जाता है। ये इमोशन का रंग है, ये हमारे खून का रंग है।
क्या भारतीय जनता पार्टी का खून काला है? उनका भी काला नहीं हुआ, उनका भी लाल है। ये शादी के जोड़े में जो कपड़े पहनाए जाते हैं जोड़े को, वो लाल रंग होता है कि नहीं होता? मतलब सिंदूर का रंग लाल है, भाजपा को आप क्या कहना चाहते हैं? सिंदूर का रंग लाल है कि नहीं है? उन्होंने कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे, तो भाजपा को आप क्या बताना चाहते हैं? ये रंग इमोशन का है, क्रांति का है। और जो लोग जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार के लोगों का दुख नहीं समझ सकते। तो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां पर दो मुस्लिम बहनों पर एसिड डालने की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों बहनें पिलाना सीएचसी में भर्ती कराई गई हैं। बड़ी बहन की हालत गंभीर है और उसे देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक युवतियों को काफी समय से परेशान कर रहा था। घर के बाहर निकली दोनों बहनों पर युवक ने एसिड डाला और फरार हो गया। दोनों बहनों के ऊपर एसिड डालने से बड़ी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। आज सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक रोशनगढ़ गांव पड़ता है मालवीय थाना क्षेत्र। उस गांव में कल रात को दो लड़कियों को पीटा गया है। सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। लड़कियों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर उपचार चल रहा है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई। इस संबंध में लड़कियों के पिता ने गाँव के एक लड़के जिसका नाम मुर्सलीम है उस पर आरोप लगाया। ये भी बताया कि मुर्सलीम उनकी लड़की से लगभग एक साल से फोन पर बात कर रहा था और एक तरफा प्यार करता था। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। इस वक्त इस खबर पर बातचीत करने के लिए आशीष त्यागी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बागपत से। आशीष, जानना चाहेंगे आपसे, यह घटनाक्रम सनसनीखेज है। दो बहनों के ऊपर एसिड फेंका गया है, आरोपी को हालांकि हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कारणों के बारे में जानकारी? और दूसरी बात यह कि जो दिन दोनों युवतियों पर एसिड फेंका गया है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? आशीष, बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है ये बालानी थाना क्षेत्र के रोशनगढ़ गांव का है, जहां पर देर रात एक सिरफिरा आशिक जो कि एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था, बताया यही जा रहा है, और वो उस परिवार के घर में घुसा और जो दोनों बहनें थी उनके ऊपर उसने एसिड फेंक दिया, जिसके बाद जो दोनों बहनें हैं वो उसमें झुलस गई थी। और जो परिजन उनको लेकर के जब उन्होंने थाना पुलिस को सूचना दी, तो थाना पुलिस दोनों लड़कियों को लेकर के पिलाना सीएससी पहुंचे, जहां से जो अस्पतालों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो युवक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ जो भी युवक रहेंगे उनकी भी तलाश की जा रही है। और फिलहाल जो दोनों लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरी फिलहाल ठीक बताई जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो जिस मामले को लेकर के ये अटैक किया गया उसकी तफ्तीश की जा रही है। जो बलनी थाना पुलिस है उसकी एक टीम उसके लिए गठित कर दी गई है और जल्द ही पूरी बात। आशीष, क्या परिजनों से आपकी कुछ बात हो पाई? चूंकि बताया जा रहा है कि पहले से ही लड़कियों को परेशान कर रहा था, तो क्या इससे पहले पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी? अब तक शिकायत नहीं हुई थी? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि हमारी जो पीड़ित परिवार है उनसे बात हुई थी। पीड़ित परिवार का कहना था कि जो गांव का ही रहने वाला एक मुस्लिम नाम का ये युवक है, ये लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही वो एक तरफा एक लड़की से प्यार करने लगा था, जिसको लेकर के वो उनसे बात करना चाहता था, मुलाकात करना चाहता था, और लड़कियां उससे परहेज करती थी, जिसके चलते ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी से शिकायत नहीं की थी, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से यह हादसा हुआ है इसके बाद वो चाहते हैं कि जो आरोपी युवक है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी आशीष, आप बने रहिए और नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बागपत से खबर, जहां पर सिर्फ आशिक ने एक तरफा मोहब्बत में दो बहनों पर एसिड डाल दिया है, जिसमें से एक लड़की की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, इलाज किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा केस के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीजेएम कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपियों पर धारा 307 लगाने का आदेश दे दिया है। यानी अब हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत आशीष मिश्रा की जांच होगी, यानी साजिश के तहत हत्या की कोशिश की गई ये धारा उनके ऊपर लगाई जाएगी। बता दें कि इसमें धारा 307, 326 और 34 भी शामिल है। इसके साथ ही जांच टीम ने धाराओं में आरोपियों की रिमांड लेने के लिए जो बढ़ाई गई धाराओं हैं उसके तहत आरोपियों की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। बता दें कि तिकुनिया कांड में 4 किसान और एक पत्रकार की हत्या में मंत्री पुत्र आशीष मिश्र पर मुकदमा दर्ज हुआ था।
जांच में एसआईटी ने पाया कि जेल में बंद सभी आरोपियों ने धारा 307, धारा 326 और धारा 34 का अपराध किया है। एसआईटी ने मुकदमे में इन तीनों धाराओं के तहत अपने केस को और बढ़ा भी दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर यानी कल से शुरू होने जा रहा है। 3 दिन का ही यह सत्र रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने बताया कि सचिवालय ने 15 से 17 दिसंबर तक का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस सत्र में प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए लेखानुदान भी पेश करेगी। वहीं विधानसभा सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिस बैठक में के बाद कल सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट में कुछ लोक लुभावन योजनाओं के साथ जनता से जुड़ी योजनाओं को भी पूरा करने पर सरकार का फोकस होगा। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आशंका है। सरकार के कामों को आईना दिखाने के लिए विपक्षी दलों ने भी कमर कस ली है। सपा, कांग्रेस और बसपा की तरफ से प्रदेश सरकार के लिए बिगुल बजाकर विरोध किया जाएगा। महंगाई आदि कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी भी लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है। उत्तराखंड की खबरों की बात करें, उत्तराखंड में हल्द्वानी में आने वाले 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। रैली स्थल को चिन्हित करने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया है, जिसके बाद हल्द्वानी के वालापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए तय किया गया है। इसके बाद प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, बसों और पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने बताया कि हल्द्वानी में आने वाले 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली होगी। आगे से लगातार कार्यक्रम को लेकर हमारे संगठन की बैठकें चलेंगी, किस प्रकार से कार्यकर्ता आएंगे, कैसे आएंगे, लेकिन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। लगभग 1 लाख कार्यकर्ता हमारे इस कार्यक्रम में आए माननीय मोदी जी को सुनने के लिए, ये हमारा टारगेट है, हमारी योजना है। आने वाले 2022 को विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड में अपने 5वें दौरे पर आज काशीपुर पहुंचे। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड नवनिर्माण में महिला सशक्तिकरण का अहम योगदान होगा। पंजाब की तरह ही उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया कि आधी आबादी के लिए अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया और कहा कि आज भी वो खासकर महिलाओं के लिए एक गारंटी देने के लिए आए हैं। केजरीवाल ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनी तो राज्य में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की हर महिला के खाते में हर महीने 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। एक परिवार की हर महिला को अलग अलग 1,000 रुपए मिलेंगे। एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5ों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि इससे पहले केजरीवाल मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा की गारंटी भी दे चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1,000 रुपए जमा करेंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए, ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ में लगाती है, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे।